हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी 9 से। आज हम देखेंगे कि ब्लश कैसे लगाना है चीक्स पे। आप अगर बिगनर हैं तो फिर ये वीडियो देखते रहिए, सीखते हैं हम कैसे लगाना है ब्लश चीक्स पे। तो सबसे पहले आप कोई भी ब्लश लें तो पहले पिगमेंट उसका चेक कर लें। अगर आप एक फिंगर लेते हैं और उसमें इतना अमाउंट आ रहा है, इतना, तो मतलब वो मीडियम है उसका पिगमेंट, ज़्यादा नहीं है। अगर इतना ज़्यादा आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, इतना आ रहा है, अगर इतना पिगमेंट आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है, बहुत थोड़े अमाउंट से स्टार्ट करना है। उसके बाद आप अपना कलर बिल्डअप कर सकते हैं, पर हाँ, बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट करना है। और ब्रश जो आप यूज़ करेंगे वो प्रॉपर फ्लफ़ी ब्लश ब्रश होना चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा और बड़ा ले सकते हैं, जितना बड़ा रहेगा उतनी स्मूथ एप्लीकेशन होगा आपका, और एकदम वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगा, आपको ब्लेंड करने में बहुत इजी होगा। तो आज जो मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ, ये मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से, ये इसका शेड मीडियम है इस पैलेट का, उसमें से मैं ये ब्लश यूज़ कर रही हूँ। और ये फ्लफ़ी ब्रश है, इसे मैंने ऑनलाइन लिया था। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्राइब कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको चेक करनी है तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लश लगाने से सबसे पहले आपको ध्यान लगाना रखना है कि ब्लश लगाना किस तरफ है। ये जो आप अपने चीक्स इन करिए, ये जो लाइन दिख रही है आपकी जस्ट ईयर के ऊपर, ये आपकी कंटूर लाइन है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे आपको ब्लश लगाना है। थोड़ा यहाँ से लेते हुए इस तरफ ब्लश चीक्स पे लगाना है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप यहाँ पे पॉप कर दें और एक ऐसा गोल, जो बचपन में मम्मी हमें तैयार किया करती थी तो वो जो दिखता था गोल, वो नहीं करना है हमें। हमें ब्लश जो लगाना है वो सिर्फ एक नेचुरल, आपका जो नेचुरल ब्लश है, नेचुरल ग्लो है, उसको बढ़ाने के लिए होता है ब्लश। तो हमें ध्यान रखना है कि इसकी जस्ट ऊपर यहाँ ब्लश लगाना है। तो ये ब्रश है, इसमें मैंने एक बार लिया, दो बार लिया। आप पूरा रन करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट आ जाएगा। ये बहुत पाउडरी है, क्रीमी ब्लश भी आते हैं पर वो थोड़े ट्रिकी होंगे आपको यूज़ करने के लिए। मुझे पाउडर ब्रश ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप स्माइल करें, जैसे ही आपके चीक्स लिफ्ट होते हैं आप इस तरफ यहाँ डिपॉजिट करें और उसको ऊपर की तरफ ले जाएं, और अब सर्कुलर मोशन, ब्लश से आपके फेस को एक अलग ही डायमेंशन मिलता है। बहुत आपकी एजेस बहुत क्लियर हो जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिंक शाइन भी है, पिंक कलर भी है, और एक चीक्स का मेरा कट भी है, शेप भी है, जो कि बहुत फेस को लिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, ऐसा दिख रहा है। आप चाहें तो आप और बिल्ड कर सकते हैं कलर। मैं थोड़ा सा और करूँगी ताकि कैमरा में आपको क्लियरली दिखे। हमें यहाँ होलो में नहीं लगाना है ब्लश, हमें ऊपर ही लगाना है, ताकि ये आप स्माइल करें तो जो नेचुरल पिंक कलर होता है वो थोड़ा और बढ़ जाए। अब हम इस तरफ करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ब्लश कंप्लीट किया है और फेस पे एक कलर आ गया है, जिसकी वजह से एकदम फेस अलाइव दिख रहा है,
मतलब कलर ऐड होता है जब आपके फेस पे, तो उसको एक अलग ही लाइफ मिलती है और वो ब्लश उस चीज़ को और बढ़ा देता है। तो आप देख सकते हैं ये इतना अच्छा लग रहा है। अब मैं हाइलाइटर की तरफ चलती हूँ, ब्लश हो गया है तो जस्ट इस लुक को कंप्लीट करने के लिए। तो आप देखिए एक पिंक दिख रहा है ब्लश और थोड़ी सी शाइन आ रही है हाइलाइटर की वजह से। तो ये तरीका है ब्लश लगाने का। तो आप और प्रैक्टिस करिए, आप अगर बिगनर हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सही आ जाएगा, आपको सही तरीके से लगाना आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।